पंडित प्रणाम। क्लब में शादी रहे। ये देखिए दोस्तों, नहीं कि यहाँ गए रहे बारात, हम तो लड़की पक्ष से रहा। ये भोले बाबा का मंदिर। ठंड, इतनी ठंड की आग ही ले भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, और एक नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे यार। ये चाचा जी हमारे उठ गए सुबह सुबह, मेरा भतीजा है। और ठंडी बहुत 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 ज्यादा बढ़ गई है। और मैं बता दूं, जैसे मैंने कहा था कि नगर निगम जब ठंडी बढ़ जाती है, 4 दिन से ठंडा लगा मेरे, मैं परेशान हूँ। देखिए, ये नगर निगम की तरफ से लकड़ी गिर गई है, मतलब हर साल गिरती है यार। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, हर साल गिरती है, ये मुझे मालूम है, और हर जगह गिरती है नगर निगम की तरफ से, तो बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल दो तीन गोटा गिरा था, जिसे दो जल गया, ये बच्चा एक वहाँ बचा हुआ है, और सब ये भाई कम से कम आग तो यार ठंड में यार क्या चाहिए इंसान को, ठंड में भोजन कम मिले, लेकिन व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। सही बोल जाना, सही बात बेटा, सही बात, सही बात। चाचा का दम नाक बहने लगा, इतना हालत खराब है इनका। इनको बोलते ही ज्यादा कमाते क्यों है आप? नहीं कमा, सब कमाई नहीं है, सब्जी की नहीं पूरा पैसा, सब्जी के लिए पूरा, तो हमसे बोल दीजिए। इतना महंगा सब्जी, 30 रुपया किलो आलू खरीद क्या करे? अरे तो ठीक है ना, तो जो ही नहीं, देखिए आज की डेट में आलू प्याज मत देखिए, जब भूख लगता है इंसान को ना, तो नमक में रोटी में नमक और तेल डाल के प्याज के साथ हिंच लेता है। अगर कल टमाटर चटनी रोटी खाए, गरीबी है भाई। अच्छा, गरीबी मत बोला करिए, नहीं गरीबी है, पैसा रहे न रहे, हमेशा हंसते रहो, और हमेशा बहुत पैसा है, बहुत रहे। मतलब बहुत पैसा बोलने से क्या, अगला भी सोचेगा यार कितना पैसा इसके पास है, मतलब बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा, भले जेब में आपका ठंडी ना हो, लेकिन हमेशा बोलो कि बहुत पैसा। ये है कि मोदी जी दे रहे हैं 30 रुपया में 60 किलो गेहूँ चावल खा रहे हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर महादेव। ये देखिए, एक यहाँ ताप रहे, यहाँ भी लकड़ी गिरा हुआ है नगर निगम की तरफ से, और भाई लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन आ जाए तो जाएंगे लोग। देखिए जल रहा है ना। ठीक दोस्तों, बने रहिए लास्ट ब्लॉग में। आज आपको हम लेके चलते हैं शिव मंदिर, सिंगरौली के शिव मंदिर लेकर दिखाएंगे आपको, बहुत ही प्यारी जगह है, और बहुत यादें छुपी है उस जगह पे, जब बचपन में मम्मी के साथ जाते थे माँ के साथ, तो दिखाएंगे आपको सिंगरौली का शिव मंदिर, तो बने रहिए लास्ट ब्लॉग में। अरे कहाँ मार रहा बेटा? बरसात कर दिया भैया। अगर तुमको कोई मारने लगे तो क्या करेगा तुम, पहले बताओ। हटा दिया करो, मारा मत करो, पाप पड़ेगा बेटा। दोस्तों ये हम पहुंच गए शिव मंदिर, ये सामने आप देख सकते हैं, ये शिव मंदिर। दोस्तों देखिए, हम आगे शिव मंदिर के पास, ये सामने देखिए शिव मंदिर, और ये गाड़ी खड़ी है हमारी। अभी गेट नया बन गया यहाँ पे, ये फूल है, ये दादी भी बैठी हुई है, और हाल चाल बा, ठीक बा दादी, नमस्ते। हाथ मत जुड़ा करिए आप, पसंद नहीं आता हमको। हाँ ठीक है बेटा, बेटा आपसे मिलता है तो हाथ मत जुड़ा करिए ना, बस अच्छा नहीं लगता ना, हमको हाथ जोड़ना चाहिए आपको, इसलिए हम प्रणाम बोलते हैं आपको। हाँ दादी बैठी यहीं पे। दोस्तों ये जो गेट देख रहे हैं अपना गेट, यहाँ पे पहले जो राउंड वाला होता था वो लगा होता था, तो जब भी मम्मी के साथ हम आते थे तो मम्मी अंदर चल जाते दर्शन करने, और हम उसी में झूलते थे, तो ये सब यादगार सोचे आपको हम बता दें, दिखा दें। अभी बैठिए आराम से, दुकान पे, दुकान पे आज नहीं आएंगी। अच्छा ठीक है, हम आते हैं अंदर से, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये दादी माँ है, हमेशा हमारे स्टॉल में आती थी पहले, अभी भी जब जहाँ मिलती है तो सेवा कर देते हैं, तो ब्लॉग बना लेते हैं, फिर नाश्ता वास्ता अगर दादी करती हैं तो करा देंगे, ठीक है।
और जब देखिए हाथ जोड़ लेती तो हम पसंद नहीं है, मुझे अच्छा लगता नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये नया बना है, यहाँ पे दशहरा में रामलीला होता है, ये नया बना है और ये पुराना है, और ये नया है। और यहाँ पे दुर्गा माँ का मूर्ति स्थापित होता है, बैठाया जाता है सामने इस मंदिर में। ये देखिए और कितना, मतलब कितना अच्छा बनाया गया ना, इधर से भी जाओ और इधर से भी जाओ, आप दोनों साइड से जाओ। ये दुर्गा माता का मंदिर है, और ये हैं हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, आप दिखाते हैं ये पंडित जी। पंडित प्रणाम। ये देखिए दोस्तों, हम तो लड़के पक्ष से रहा। ये भोले बाबा का मंदिर, दर्शन कर लीजिए। हम तो डबल वाले नहीं करूँगा, और चोरबा भगाए गा पता नहीं कहाँ इधर उधर मिल गया, था ओके बाद फिर वो कहें कहें कि अच्छा कब तक मैं तुम्हारा लड़का आएगा, तो कहें कि शाम को लौटेगा हमारा लड़का, तो वो हमके कहें कहें पंडित जी ऐसा कर तू अब सिंगरौली चला जा और शाम का हमें के लड़का भी पकड़ा, ओके बाद तुमके सूचना दे। वो बेचारे हमके गाड़ी पर बैठाए दे हैं, रोड पर टिकट कटवाए दे हैं, ओके बाद बैठा रहे गाड़ी पर बैठा, वो टिकट कटवाए चला गए तुम्हार मामा है, और हम गाड़ी पर बैठा रहन नहीं शीशा से मुड़े निकालन तो चोर भाई साहब हमके अच्छे आदमी दिखान, लेकिन आपकी मोटरसाइकिल वहाँ पर थाना में है, जाकर कागज लेकर जाइए अपना ले लीजिए मोटरसाइकिल। पंडित जी का मोटरसाइकिल चोरी हो गया था, तो मम्मी जब आती थी यहाँ पे ना, तो पंडित जी को मम्मी भेज दी थी मिर्जापुर, और मिर्जापुर मेरा घर है, तो पंडित जी जाके वहाँ पे रहते थे, तो वही बता रहे हैं। फिर लास्ट में मोटरसाइकिल मिल गया था, तो वही बोल रहे हैं कि बहुत सेवा वाप किए वहाँ पे मामा लोग आपके, तो अगर पंडित जी की बात समझ में आए इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो ये सब यादें हैं। हाँ, ये लगा हुआ सामने देख सकते हैं पूरा, ये मंदिर है पूरा, इधर सामने भोले बाबा का मंदिर आपको दिखाया भी हमने, यहाँ यज्ञ वगैरह होते हैं यहाँ पे, और नारियल आप बाहर में यहाँ फोड़ सकते हैं नारियल। ये तुलसी माता का पेड़ है, दर्शन कर लीजिए आप सब, और यहाँ पे नारियल तोड़ते हैं। ये बजरंग बोली भोले बाबा गणेश भगवान माता पार्वती जी बैठी हुई है यहाँ पे, एक मंदिर यहाँ है, ये देखिए ये मंदिर है, काली माता का मंदिर है, मतलब ये सब पूरे मंदिर है। यहाँ बस यही यादगार है कि मम्मी हमारी जब भी दर्शन कर लीजिए पहले आप सब, बजरंग बली का मंदिर है। हाँ, मंदिर है, इस ताला बंद रहता है। एक कहानी और बताएंगे, ये सीताराम लक्ष्मण जी का, जय श्री राम। ये देखिए ठीक है, एक कहानी और बताते हैं हम यहाँ पे, बहुत मज़ेदार कहानी है। ये देखिए राधे कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए दुर्गा माता का मंदिर है। ये दोस्तों ये मंदिर की लोकेशन है पूरा, ये है मैया दुर्गा। तो वही पंडित जी बताने लगे कि ऐसा सा बात हुआ था, मोटरसाइकिल चोरी हुआ था, तो आपकी मम्मी हमको बताई थी, वहाँ पे गए थे, सब संस्कार सेवा किए पूरा अच्छे से, तो आप बता रहे थे, वही हम सुन रहे थे, और मम्मी पहले बता दी थी मुझे ऐसा सा बात, फिर लास्ट में मोटरसाइकिल पंडित जी का मिल गया। तो दोस्तों यही मंदिर है, इसमें बहुत सारी यादगार चीज़ें हैं, यादगार मम्मी का जब आती थी। और एक बात और मैं बता दूँ कि यहाँ पे मंदिर के अंदर से हम पैसा चोरी कर लेते थे, हाँ,
लकड़ी से निकाल निकाल के पैसे चोरी कर लेते थे, पंडित जी दौड़ाते थे बहुत, पंडित जी बहुत दौड़ा के हमको पकड़ते, पकड़ने की कोशिश करते थे, पकड़ नहीं पाते थे क्योंकि ये नीचे से रास्ता पूरा था, कहीं से हम लोग निकल जाते थे। और सबसे मजे की बात ये है ना कि मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं बताएंगे उसका, वो पैसा चोरी करके वो ये पेड़ के पीछे में जाके पूरा खंडहर था तो वहाँ पे नीचे खोद के रख दे, तो मैं देख लिया उसका। मैं बोला इतना मेहनत से कौन मंदिर से निकालेगा, मैं उसी का पैसा मैं बालू सहित पन्नी में भरा लेके घर चला गया। हाँ ऐसी तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी बताते बताते कि क्या बताऊँ। तो ये सब कहानियाँ हैं यहाँ की हमारी, छोटे छोटे थे और दुर्गा पूजा में ये सब पूरे भरे हो जाते, भर जाते हैं दुकानों से, पूरा दुकान भर जाता है ये सब। हम खाना अरे दादी तो वो हमको जो होता है हम कर देते हैं ना, बाकी महादेव पे छोड़ देते हैं, उनको जो करना है करेंगे। हम ये नहीं कि अब हम कैमरा चालू कर दिए तो कुछ खिला रहे पिला रहे, वो बात की बात। लेकिन ये जो इंसान उस चीज़ से गुजर चुका होता है ना, हम भी किसी के सामने हाथ फैलाते थे पहले बचपन में, हाँ अब क्या है ना कि जो कोई मेरे हाथ सामने हाथ फैलाता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, बस सही बात ये है, क्योंकि बचपन में हम भी बहुत जगह हाथ फैलाते थे, ठीक है ना, ये सब यादें हैं। टिकटॉक की बहुत सारी वीडियो दादी बनाते हैं। दादी एक और आगे क्या रजाई मिला है, ए देखो रजाई लेके आ रही, अब क्या चाहिए सुबह सुबह। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, महादेव में सभी दोस्तों खुश रखे मस्त रखे, बाय दोस्तों। क्या नाश्ता नाश्ता करना है, नहीं कर लिए, ठीक ठीक दोस्तों, बाय बाय।